चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जुटे प्रचार प्रसार में। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 23 सितंबर को यूएफटी लाइव टीवी न्यूज प्रेस टीम के द्वारा ग्राम पंचायत राज तेमथा करारी पंचायत के लोगों का मूड टटोला गया। स्थानीय लोगों ने एक सूत्र से निवर्तमान मुखिया राजीव चौधरी के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। इस बार कौन बनेगा तेमथा करारी पंचायत का मुखिया, किनके सर पर होने वाली है प्रधानी की ताज, आइए रूबरू होते हैं तेमथा करारी की आम जनता से स्टेट हेड एन कुमार के साथ। देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी, मैं स्टेट हेड बिहार नवीन कुमार। आज मैं तेमथा करारी पंचायत के वार्ड संख्या एक में मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि इस बार कौन बनेगा मुखिया, किनके सर होने वाली है मुखिया की ताज। लीजिए बात नाम बताइएगा। हाँ, सत्तो खास तेमथा करारी एक नंबर वार्ड में। ठीक है, मैं आप ये बताइए आप किसे आप अपना जनप्रतिनिधि इस बार चुन रहे हैं। हाँ, राजीव चौधरी तो हम दिल से चाहते हैं, उनको मन से धन से सब राजीव चौधरी को। जी आप बताइए मुखिया कौन बनेगा इस बार। अच्छा एक बात बताइए, मुखिया जी ने क्या ऐसा काम किया है कि जो कि फिर से दोबारा आप लोग चुन रहे हैं। काम किया है, रोड का काम किया है, विकास का। और भी तो प्रत्याशी है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, नाम बताइएगा आप। क्या स्थिति है, क्या कौन बनेगा मुखिया यहाँ? बहुत अच्छा स्थिति है राजीव चौधरी ने एकदम। आप लोग संकल्पित? बिल्कुल बिल्कुल संकल्पित। और कई प्रत्याशी भी तो मैदान में है, लेकिन व्यवहार कुशल है, इसलिए व्यवहार है कि विकास भी इन्होंने, विकास और व्यवहार दोनों चीज इनके साथ। कौन सा ऐसा काम किया है? सारा काम किया है, शौचालय बनवाए, रोड बनवाए, जो है इंदिरावास का काम किए, वृद्धा पेंशन का काम किए, विकास का जो काम जितना भी पंचायत का होता है सब में ये सहयोग है जी। चलिए आप अपना नाम बताइएगा, कौन बनेगा इस बार मुखिया? राजीव चौधरी। आप लोग संकल्पित है? हाँ संकल्पित। अच्छा एक बात बताइए, गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया? गरीब के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं जी। इनके पास अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम हिंदू का कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, इसलिए हम लोग इनको आपकी बात। मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ जी, बताइएगा। मैं कैसा जी, क्या आपका मतलब मूड है? मूड है कि हम विकास के साथ, विकास के साथ इनके साथ, विकास तो है मुखिया जी है, उन्हें विकास किया। मतलब कौन? राजीव चौधरी। जी बताइएगा। राजीव चौधरी एकदम कसम खा लिए हैं। बिल्कुल राजीव चौधरी एकदम जीता के ही रहे, जीता के रखना है। जी बताइएगा। बस राजीव चौधरी को जिताएंगे, विकास किया है जी, यहाँ घरे घर जो शौचालय दे दिया है, रोड गली गली बना दिया है, तो उसी को जिताएंगे सच्चाई के साथ। जी बताइए। राजीव चौधरी भाई, सब लोग तो राजीव चौधरी का ही नाम ले रहे हैं। दूसरे को विकास किए हैं, राजीव चौधरी का हमारे नहीं है, हमारे पंचायत में विकास किए हैं। जी बताइएगा भैया। राजीव चौधरी को वोट कराएंगे, इन्होंने 5 साल में, जो 15 साल में आज तक कार्य नहीं हुआ, जो 5 साल में हुआ। अरे भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा है देखने से कि एक तरफा ही लोग बोल रहा है, दूसरा कोई चेहरे का कोई नाम नहीं है राजीव चौधरी के पीछे। मैदान को बैठा दिया जीत गए। हमारे पंचायत में 5 साल में राजीव चौधरी दिखा दिए है, कितना विकास जनता खुद फैसला कर देगी, जितना काम किया। एक चीज बताइए, महिलाओं के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य? महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया, जैसे वृद्धा पेंशन का, महिला का जो है होता है उसमें काम किया है, यानी काम किए हैं एकदम, विकास किए हैं, बिल्कुल काम किए। चलिए तो आप लोग विकास के ही नाम पे वोट कर रहे हैं, विकास के ही नाम पे वोट। आपने कहा गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं जी, बताइएगा। जब मुखिया बनने से पहले गरीबों के दाता थे, तो अभी क्या कह रहे हैं मुखिया बनने के बाद? पहले ही से बांट रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद 24 न्यूज में जुड़ने के लिए।